लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना मुजाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब हुकूमत की लेडी हेल्थ वर्कर्स को 2 घंटे में नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी। वजीर कानून बशारत राजा मुतालबात से मुतालिक वजीर आला को आगाह करेंगे। डीएजी ऑपरेशंस की सालसी की पेशकश, मुतालबात तस्लीम ना होने तो शहर भर में धरना देंगे। लेडी हेल्थ वर्कर रुखसाना अनवर। कोर्ट लखपत जेल में कैदी नंबर 4470 से मुलाकात। नवाज शरीफ सिर्फ अहले खाना और जाती मुआनिद से मिले। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वालिदा शमीम बेगम और भतीजे यूसुफ अब्बास की 2 घंटे तक मुलाकात। शरीफ फैमिली ने इकट्ठे दोपहर का खाना खाया। अगली जुमेरात आपसे घर पर मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ की बड़े भाई से गुफ्तगू। नवाज शरीफ, दिल का साफ है, अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। माँ जी, अल्लाह आपकी दुआएं सुन रहा है। शहबाज शरीफ का वालिदा से भी मुकालमा। क्या नवाज शरीफ रिहा हो जाएंगे? सहाफी का बेगम शमीम अख्तर से सवाल। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को जल्द रिहाई मिलेगी। बेगम शमीम अख्तर का जवाब। मरियम नवाज ने कहा कि वालिद की तबीयत ठीक नहीं, अंजाइना का दर्द है। आज भी नवाज शरीफ ने दर्द की कमी के लिए स्प्रे किया। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ के ब्लड प्रेशर में मामूली इजाफा है। नाश्ते में 2 अंडे, ब्रेड और चाय ली। चहल कदमी भी की। तर्जमान वजीर आला का नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक ट्वीट। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की मुकम्मल इजाजत है। वर्कर्स और अहले खाना किसी बेबुनियाद खबर पर यकीन ना करें। मेल वार्ड की सफाई क्यों नहीं की? एमएसयू अस्पताल हेड नर्स पर बरहम। नर्स गुल से मुबैन तौर पर नारवा सलूक और जहनी दबाव। हेड नर्स को ब्रेन हैमरेज हो गया। तश्वीशनाक हालत में न्यूरो सर्जरी वार्ड में जेर इलाज। स्टाफ नर्सिस का एमएस के रवैये पर एहतजाज। थाना गवाल मंडी में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त। सिस्टर गुल पहले भी बीमार थी, सफाई का पूछना मेरा फर्ज था। एमएस डॉक्टर ताहिर खलील का मौकर। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद जारी। कालादम तंजीमों के मजीद 150 रुकन गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के गिर्द भी शिकंजा सख्त। 3,000 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक। 100 से ज्यादा वेबसाइट्स की भी निशानदही। महकमे दाखिला ने पीटीए को रिपोर्ट्स भिजवा दी। कालादम तंजीमों से मुतालिक बयान गद्दारी करार। पीटीआई का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पीटीआई के रुकन मुसर्रत जमशेद चीमा ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। बिलावल भुट्टो के बयान से मोदी के बयानियों को तकवीयत मिली। चेयरमैन पीपी के बयानात भारतीय रॉकेट लॉन्चर से कम नहीं। ऐवान समझता है बिलावल का किरदार भारतीय एजेंट का है। बिलावल भुट्टो का बयान अपनी शहीद वालिदा के खून से गद्दारी है। आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। करारदाद का मतलब। पीपल्स पार्टी और नून लीग बिलावल के दफा के लिए मैदान में आ गई। गद्दारी मुकदमे की करारदाद वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली शाजिया आबिद कहती हैं तरीक इंसाफ गैर संजीदा लोगों का ग्रोह है। कालादम तंजीमों से मुतालिक बिलावल भुट्टो का बयान दुरुस्त है। नून लीग के समीउल्लाह खान बोले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद किए जाए। एक दूसरे को भारतीय एजेंट कहने से कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा। गंदम की फसल तैयार, कटाई शुरू होने में चंद रोज बाकी। महकमा खुराक ने किसानों पर बिजली गिरा दी। गंदम खरीदारी के लिए कोई पॉलिसी बनी ना हदफ मुकर्रर। पंजाब असेंबली की स्पेशल कमेटी के इजलास में चश्म कुशा इंकशाफात। कमेटी कन्वीनियर बशारत राजा का महकमा खुराक पर इशारे बरहमी। 1 हफ्ते के अंदर हदफ मुकर्रर करने और पॉलिसी बनाने की मोहलत। शहरी वासा मिनिस्ट्री स्कीम से हाथों हाथ फायदा उठाने लगे। गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस को कानूनी बनाने के लिए 25,000 शहरियों की दरखास्तें। 5 माह में वासा में बड़ी तब्दीली आई है। आमदनी में 1 अरब रुपए का इजाफा किया। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद की प्रेस ब्रीफिंग। गैर कानूनी कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया।
अंदरूनी मिली भगत या कुछ और, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कब्जा वागुजार कराने में नाकाम हो गई। अरबों रुपए मालियत की जमीनों पर कब्जा माफिया की मौजें, निशानदेही के बावजूद एमसीएल शोभा स्टेट मैनेजमेंट खामोश। प्रॉपर्टी वागुजार कराने की बजाय लॉर्ड मेयर को सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मगन। एलडीए के नोकी पैसे बचाओ मुहिम, फंड्स मौजूद इजरा ना किया, तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने लगे, जाती वसाइल से हासिल आमदन भी खर्च ना की गई। आमदन के बद में एलडीए के पास 4 अरब 55 करोड़ रुपए के फंड्स दस्तियाब। लाहौर हाईकोर्ट में सब्जाजार पुलिस मुकाबला केस की समाअत अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फवाद हसन फवाद की मुश्किलात में मजीद इजाफा, नैब ने आमदन से ज्यादा सासों में 39 गवाहान की फहरिस्त तैयार कर ली। गवाहान में SECP, FBR, पटवारी, ब्यूरोक्रेट्स शामिल, वजारत खारजा के चीफ अकाउंटेंट भी गवाही देंगे। ट्रायल का बाकायदा आगाज 2 अप्रैल से होगा। आज चीमा के जुडिशल रिमांड में 15 रोज की तौसी, अदालत का आज चीमा को 5 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। आज चीमा ने फैमिली मेम्बरान के नाम बेनामी जायदादें बनाई, नए प्रोसिक्यूटर। बहावलपुर में तालिब इल्म के हाथों प्रोफेसर के कत्ल का मामला, वाहदत रोड पर पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज, प्रोफेसर से कत्ल की मुजम्मत, कानून के मुताबिक सजा का मुतालिबा। कस्टम्स इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 8 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया। सामान में ईरानी चप्पलें, काले मिर्च, छालियां और मोबाइल एक्सेसरीज शामिल। सामान क्वेटा से लाहौर की मार्केटों में सप्लाई किया जाता था। द लेजेंड ऑफ मौला जेट की मुश्किलात कम ना हुई, कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने पंजाब हुकूमत और सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया, 4 अप्रैल तक जवाब तलब। गैर मुल्की सीना के केस का तफसीली फैसला भी आ गया। मुलजिमा अपना दिफा करने में नाकाम रही, मुलजिमा अपनी बेगुनाही में गवाह पेश नहीं कर सकी। कस्टम्स हुकाम ने ठोस शवाहिद पर मबनी हकायक अदालत को फराहम किए। 34 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला अदालत ने जारी कर दिया। फाउंटेन हाउस में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर तकरीब का इनेकाद, बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, बच्चों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर खूब सराहा, बोली वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाने का मकसद मर्ज से आगाही देना है। दारुल उलूम हंतिया लिबर्टी में इंटरफेथ डायलॉग फोरम के जरिए तमाम बैनुल मजाहिब अमन कॉन्फ्रेंस, सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, शिरका की सानहा न्यूजीलैंड की मजम्मत, अमन के फरोग के लिए इकदाम करने पर जोर, अमन चाहते हैं और अमन को फरोग देते हैं, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड। हजरत अली अल मुल्तजा करमुल्ला वजोह का यौम वलादत पासादत, अमन इत्तेहाद काउंसिल की जश्न मिलाद अली अमन रैली, शुरका बग्गियों पर सवार घोड़ों का रक्स, तमाम मसालिक और मकतबाए फिक्र के उलमाए कराम की शिरकत, अलामा मुश्ताक हुसैन जाफरी ने रैली की कयादत की। नासिर बाग से शुरू होने वाली रैली अलहमरा हॉल पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। PNT कॉलोनी में शजरकारी मुहिम का आगाज, क्रिकेटर अजहर अली ने पौधा लगाया, बोले पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज टीम के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी में मावन होगी, खिलाड़ी अपनी सलाहियत को चेक कर सकेंगे, खिलाड़ियों की तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड कप पर होनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में बिखरे पश्तून सकाफत के रंग, पश्तून देखी रंगा रंग रैली, रवायती लिबास पहने तलबा की भरपूर शिरकत, ढोल की थाप पर रक्स ने खूब रंग जमाया, चपली कबाब और सकाफती मलबूसात के स्टॉल्स पर भी गहमा गहमी।